नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यभर के सफाई कर्मचारी का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। निगरानी ब्यूरो के चंगुल में फंसे भ्रष्ट इंजीनियर। पिंडदानियों को इस बार गया में मिलेगी ये विशेष सुविधा। अब इस विभाग के लोग पहुंचे तेजस्वी यादव के घर। गांगुली ने कहा, विराट को न केवल भारत के लिए बल्कि अपने लिए रन बनाने की जरूरत है। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य भर के सफाई कर्मचारी का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से हुआ शुरू। एक बार फिर से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी पटना सहित बिहार के तमाम शहरी क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांग उठाई थी, सड़कों पर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन हुआ क्या? आश्वासन देकर उन्हें फुसलाने के सिवा सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बाद एक बार फिर से चतुर्थ वर्ग के कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। आंदोलन करने वाले कर्मियों की प्रमुख मांग दैनिक मजदूरों का स्थायीकरण और 18,000 से लेकर 21,000 न्यूनतम वेतन करना है और इसी मांग के साथ शनिवार यानी 27 अगस्त से राज्य स्तर पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर से बढ़ी इन क्षेत्र के लोगों की परेशानियां। एक और बारिश नहीं होने की वजह से लोग गर्मी से परेशान हैं। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर गंगा नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। गंगा का पानी गांवों में घुसने लगा है। सुबह तक की अपडेट के मुताबिक बात करें तो खतरे के निशान से मात्र 1.5 फुट नीचे गंगा का जलस्तर बह रहा है। ऐसे में गंगा नदी में हो रही तेजी से वृद्धि के कारण दियारे के गंगहरा, हेतनपुर, कासिमचक, पुरानी पानापुर, पतला पुर और मानस पंचायत की करीब 2 लाख आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यालय में हुई बड़ी लूट। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को अब अपराधियों ने निशाना बनाया है और इस बीच अपराधियों ने अपने अपराध को अंजाम दिया है। दरअसल राजधानी पटना के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कार्यालय में इन अपराधियों ने लूट मचाई। गंगापथ स्थित पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस को निशाना बनाकर लूट को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि गंगापथ स्थित पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस में नाव पर सवार होकर गंगा दियारा इलाके से आए करीब 3 दर्जन अपराधी ने हथियारों के बल पर ऑफिस का सारा सामान अपने साथ ले गए, जिसमें वहां रखे 150 लोहे का चैनल समेत कई चीजें उठा ले गए। लगातार चौथे दिन भागलपुर के डिप्टी मेयर सहित सहयोगियों के ठिकानों पर रेड। भागलपुर में आज लगातार चौथे दिन छापेमारी जारी रही। बीते दिन लगातार तीसरे दिन इनकम टैक्स अधिकारियों ने निवर्तमान डिप्टी मेयर राजेश वर्मा व उनके साथी सहयोगियों के ठिकानों को खंगालते रहे। इस दौरान आईटी की टीम के हाथ अरबों की जमीन के कागजात लगे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो भागलपुर के निवर्तमान डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और रवि जालान के घर से 50 लाख से अधिक कैश बरामद हुए। कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए तो रेड आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। वहीं आज भी इनकम टैक्स के अधिकारी रेड डाल रहे हैं। निगरानी ब्यूरो की चंगुल में फंसे भ्रष्ट इंजीनियर। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए बिहार सरकार लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में निगरानी ब्यूरो की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निगरानी ब्यूरो की टीम ने आज सुबह से ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी में जुटी रही। आपको बताते चले कि सुबह से ही छापेमारी में जुटी निगरानी विभाग को शुरुआत में ही 5 करोड़ की राशि हाथ लगी। जानकारी के मुताबिक निगरानी ब्यूरो ने ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के किशनगंज और पटना के ठिकानों पर छापेमारी की। नए सरकार के मंत्रियों को किया गया बंगला अलॉट। बिहार के नए सरकार के नए मंत्रियों को उनके पर्सनल सेक्रेटरी सहित बंगला भी अलॉट कर दिया गया है। राजद और कांग्रेस कोटी के 15 मंत्रियों को उनका बंगला अलॉट कर दिया गया, जिसकी सूची बीते दिन देर शाम को जारी किया गया। इनमें राजद कोटे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव को 3 स्टैंड रोड, पर्यटन मंत्री कुमार सरबजीत को 17 होर्डिंग रोड, पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव को 43 होर्डिंग रोड, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ को 3 ट्रेलर रोड, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को 12 बेली रोड दिया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 5 देशरत्न मार्ग में रहेंगे, ये तय है, क्योंकि वो बंगला उप मुख्यमंत्री के लिए ही अलॉट है। अभी उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रह रहे हैं। उनके द्वारा खाली करने के बाद तेजस्वी यादव को वही बंगला अलॉट कर दिया जाएगा। पिंडदानियों को इस बार गया में मिलेगी ये विशेष सुविधा। आगामी 9 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शुरू होने जा रहा है। इस बार पितृपक्ष मेला में संभावित भीड़ का आकलन करते हुए तीर्थयात्रियों को प्रशासन विशेष सुविधा देने जा रहा है।
रही है। सबसे खास बात यह है कि पिंडदान करने वाले पिंडदानियों को तर्पण के लिए फल्गु नदी का शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलेगा। वहीं तीर्थयात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए गया जिले में कुल 3 टेंट सिटी का निर्माण करवाया जा रहा है। इसमें गांधी मैदान परिसर में 2 तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज में 1 है। टेंट सिटी में पर्याप्त CCTV कैमरे, VIP लॉन्स, 50 टॉयलेट, रिसेप्शन एरिया, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सेल्फी पॉइंट तथा ड्रोन के माध्यम से सिक्योरिटी संधारित किया गया है। KBC के नाम पर ठगी करने वाला अपराधी गिरफ्तार। जितनी तेजी से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, उतने ही तेजी से साइबर ठग भी सक्रिय हो रहे हैं। आए दिन लोगों से अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ठगी की जा रही है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है जहां KBC के नाम पर ठगी की गई है। दरअसल कंकड़बाग थाना क्षेत्र के PC कॉलोनी से एक साइबर अपराधी जुबेर आलम को महाराष्ट्र साइबर सेल की टीम ने कंकड़बाग थाने की पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र से आई साइबर सेल की टीम के इंस्पेक्टर गायकवाड़ ने बताया कि 5 महीने पहले कौन बनेगा करोड़पति शो में पार्टिसिपेट करने का फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया था। इसमें 5 की गिरफ्तारी हो चुकी थी, वहीं 2 को बिहार के मोतिहारी और पटना जिले से गिरफ्तार किया गया है। BPSC के बाद अब रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न पत्र हुआ लीक। BPSC पेपर लीक मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई कि रेलवे ग्रुप डी में पेपर लीक का मामला सामने आया है। दरअसल रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र के जाकरियापुर इलाके में स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर चल रहे ग्रुप डी की परीक्षा के दौरान शुक्रवार को प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। हालांकि बीते दिन लीक प्रश्न पत्र का हल लेकर पहुंचे व्यक्ति रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मालूम हो कि रेलवे ग्रुप डी फेज 2 परीक्षा 26 अगस्त से 8 सितंबर तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान यह मामला सामने आया है। बकायदा अपराधी रंजीत ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। उसने बताया है कि उसे प्रश्न पत्र पहले से मिले हुए थे। अब इस विभाग के लोग पहुंचे तेजस्वी यादव के घर। सत्ता में आने से पहले तेजस्वी ने बिहार के सभी बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि सरकार में आने के बाद वो लाखों नौकरियां देंगे और वो सरकार में अब उप मुख्यमंत्री हैं, हाथ में सत्ता है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं का कहना है कि जिस तरह आपने विपक्ष में रहते हुए नौकरी देने का भरोसा दिलाया था उसे पूरा करें। इस बीच बीते सोमवार को सीटेट बीटेट पास छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, आज तो सभी तेजस्वी यादव के घर पहुंच गए, जिनकी एक ही मांग है कि तेजस्वी ने विपक्ष में रहते हुए जो कहा था अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। हालांकि यह शिक्षक अभ्यर्थी नहीं थे, दरअसल पशुपालन विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर चुकी महिला स्वास्थ्यकर्मी थी। इन्होंने बताया कि पिछले 15 साल से विभाग में दैनिक वेतन पर काम कर रही है, लेकिन हमें नियमित किया जाए। चिराग ने नीतीश पर कसा तंज, वे रूस के राष्ट्रपति का सपना देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के PM उम्मीदवार की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर सत्ता पक्ष इस मामले पर चुप भी रहे तो विपक्ष आए दिन इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुटकी लेने और तंज कसने में लगे हैं। इस बीच एक बार फिर से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। चिराग पासवान ने बीते दिन कहा कि मैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वे रूस का राष्ट्रपति बनने का भी सपना देख सकते हैं। सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका इस तरह का सपना कभी भी हकीकत में बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। दूसरे राज्यों में बिहारी शब्द अपमान का प्रतीक बन चुका है, इसके बावजूद नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार की राजनीति का खोला सीक्रेट पॉइंट। पूर्व केंद्रीय सूचना प्रसारण कानून मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर जुबानी हमला किया है। रविशंकर बीते दिन देर शाम भागलपुर परिसदन पहुंचे, जहां नीतीश कुमार की राजनीति का सीक्रेट पॉइंट खोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। अभी प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। 2013 में भाजपा से अलग होकर लोकसभा चुनाव लड़े तो जदयू महज 2 सीट पर सिमट गई। राजनीति में इतनी ज्यादा नैतिकता किसी को नहीं खोनी चाहिए। CM ने कुर्सी के नीतीश कुमार से न पार्टी चलती है न ही राजनीति। नीतीश कुमार को नेता भाजपा ने बनाया। इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम का मिजाज कब बदल जाए किसी को पता नहीं है। बिहार में बारिश संबंधी गतिविधियां इन दिनों बदलती हुई दिख रही है। कभी बारिश तो कभी धूप लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से बारिश का नामो निशान नहीं है, इस वजह से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज सुबह से ही लोग सूरज की तीखी किरणें और बढ़ती तापमान से जूझ रहे हैं। इससे पहले मौसम विज्ञानियों के पूर्वानुमान में कहा गया था कि 27 अगस्त को अच्छी बारिश होने की संभावना है, लेकिन राजधानी पटना सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों को बादल भी देखने को नहीं मिला। हालांकि पटना मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान में मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के लिए आज अलर्ट जारी किया गया है।
देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शनिवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 9,520 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 158 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 80 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,22,046 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहां 120 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। गांगुली ने कहा, विराट को न केवल भारत के लिए बल्कि अपने लिए रन बनाना होगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, दिग्गज बल्लेबाज और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एशिया कप के शुरू होने से पहले विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है। गांगुली ने कहा कि विराट कोहली को रन बनाने होंगे न सिर्फ भारत के लिए बल्कि खुद के लिए भी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि उसे न केवल भारत के लिए बल्कि अपने लिए रन बनाने की जरूरत है। उम्मीद है कि यह उसके लिए एक अच्छा सीजन होगा। हम सभी को विश्वास है कि वह वापस आएंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, शुभम कुमार, नुनू कुमार, शंकर मुखिया, उमेश रुशिते, परवेज आलम, राजकुमार प्रसाद, मुचू रंगीला, अजय सिंह, संजीत कुमार, राजनेश यादव, बिमलेश कुमार, अजय कुमार पासवान और सूरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मौसम की गतिविधियां क्या है। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी लिखें। और बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।